प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मैं नहीं हम पोर्टल और ऐप लॉन्च करके कांग्रेस से अपना पुराना नारा फिर से छीन लिया है। इस दौरान उन्होंने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमियों से संवाद भी किया, जहां पीएम ने देश में सकारात्मक बदलाव के लिए सभी लोगों से आह्वान किया, साथ ही युवाओं को साधने की कोशिश भी की। दरअसल नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने फरवरी 2011 में एक कैंपेन शुरू किया था जिसका नारा था मैं नहीं हम। लेकिन मोदी के बाद 2014 के चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस नारे का काफी इस्तेमाल किया, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी ने इस नारे को दोबारा हासिल कर लिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं नहीं हम पोर्टल और ऐप लॉन्च कर इसे कांग्रेस से छीन लिया। इस दौरान उन्होंने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमियों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि लोग दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं, वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कई स्कीम और बजट है, लेकिन उसके लिए जरूरी है सभी लोग साथ आएं। उन्होंने कहा कि हर छोटी से छोटी कोशिश की बड़ी अहमियत होती है, इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हम अपनी ताकत का इस्तेमाल समाज को उठाने के लिए करें। आईटी प्रोफेशनल्स को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत के युवाओं में तकनीक का पावर काफी बढ़ा है, वो तकनीक का इस्तेमाल ना सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं बल्कि दूसरों की भलाई भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। वैसे इस ऐप को लॉन्च करके पीएम मोदी ने जहां अपना नारा कांग्रेस से छीना है, तो वहीं युवाओं और उद्यमियों के दिलों में खुद के लिए जगह बनाने की कोशिश की है, खासतौर पर युवाओं के जो कि चुनाव में किसी भी पार्टी को जिताने का मादा रखते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, लेकिन ये तीर सही जगह लगता है या नहीं, ये चुनाव नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।